ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। फिल्म दंगल में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली लड़की सुहानी भट्टागर का निधन हो गया। वह महज 19 साल की थी। उनके पूरे शरीर में ल्यूकेज जमा हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले सुहानी का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इलाज के दौरान उन्होंने जो दवाएं ली, उसकी वजह से रिएक्शन हो गया था। इस रिएक्शन से उनके शरीर में ल्यूकेज जमा होने लगा था। वह काफ़ी समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। सुहानी भट्टागर की मौत ने सबको चौंका दिया। फैंस बेसब्री से सुहानी के कमबैक का इंतज़ार कर रहे थे। वह हरियाणा के फरीदाबाद में रहती थी। उनके पूरे शरीर में लिक्विड यानी पानी जमा हो गया था। महज 19 साल की उम्र में उनके निधन से हर कोई दुखी है। सुहानी भट्टागर ने आमिर खान स्टारर दंगल में बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था। फिल्म के गाने बापू सेहत के लिए हानिकारक में उनके स्क्रीन प्रेजेंस को काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म में उनका ज़्यादा बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन जितना भी था उसमें उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। बाद में बबीता फोगाट का किरदार सानिया मल्होत्रा ने निभाया था। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।